राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने उनके ग्वारडू कार्यालय में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बमसन ब्लॉक की ग्राम पंचायत चारियां दिधार से अनुसूचित जाति के ओम प्रकाश अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। ओम प्रकाश ने रविंद्र सिंह डोगरा को बताया कि भारी बरसात के कारण उनके मकान का पूरा आंगन गिर गया था, जिसकी सूचना उन्होंने पंचायत को तत्काल दे दी थी। उसके बाद प्रधान, पटवारी तथा ब्लॉक के जेई ने मौका कर दिया था तथा पंचायत ने उन्हें जिलाधीश हमीरपुर के पास जाने को कहा था। रविंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि ओम प्रकाश ने उन्हें बताया कि जिलाधीश हमीरपुर से मिलने के बाद जिलाधीश ने वापस उन्हें पंचायत के पास भेज दिया, ये कहकर कि ये काम पंचायत का होगा। रविंद्र सिंह डोगरा ने पत्रकारों को बताया कि जब उन्होंने ओम प्रकाश से जनमंच से जाने के बारे में पूछा तो ओम प्रकाश का कहना था कि वहां भी किसी ने उनकी पत्नी से बात तक नहीं सुनी। डोगरा ने जब पूछा कि विधायक के पास क्यों नहीं जाते तो ओम प्रकाश का कहना था कि वो नजर ही नहीं आते, इसीलिए आपके पास आया हूँ। सर, मेरी समस्या है, बरसात में बहुत बरसात पिछली बार तो मैंने उसको डंगी को अपने आप मजदूर लगा के करवाया था थोड़ा बहुत, तो सड़क का सड़क से नीचे से डंगा है वो, और मकान में दे रखा है मैंने। अच्छा। तो नीचे से वो गिर गया बरसात होने के कारण। फिर मैंने बोला लगाए दो चार मिस्त्री, अपने आप भी काम लगा, मिस्त्री भी लगाए, दो चार मजदूर लाए, दो लाद लगाया मैंने, फिर बरसात को जोर के वो गिर गया। फिर मैं प्रधान को बताया, वार्ड पंच को बताया कि ऐसे ऐसी मेरी समस्या है और ये डंगा टिक नहीं रहा और ये सड़क के कारण ये आम लोगों का रास्ता है, तो मैंने बोला कि इसको दबा दो। उसके बाद वार्ड पंच भी आया, प्रधान भी आया और उन्होंने मौका किया, उन्होंने फिर जेई को बताया, उन्होंने मौका किया, फिर पटवारी को बताया, उन्होंने मौका किया, उन्होंने सारे कागज तैयार करके फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर एप्लीकेशन लिखी और हमारे को डीसी साहब के पास भेज दिया। डीसी साहब के पास आपको? हाँ जी। तो डीसी साहब के पास गए तो डीसी साहब के पहले गए तो वो मिले नहीं, और दूसरी बार गए तो हमने फोन ले लिया नंबर, तो उन्होंने बोला कि 25-26 तारीख को मिलेंगे। डोगरा ने इस विषय पर बड़ी हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और जिलाधीश कहते हैं कि पैसा पंचायत के पास है, पर मामले को सुलझाता कोई नहीं है। इसी चक्कर में 2 महीने निकल गए। प्रशासन और पंचायतों के एक दूसरे पर बात टालने से गरीब जनता परेशान है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आपदा प्रबंधन के तहत होने वाले नुकसान को कौन ठीक करेगा। इस विषय पर आज ही जिलाधीश हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा को दस्तावेजों के साथ पत्र भेजा जा रहा है ताकि संबंधित विषय पर संबंधित विभाग को या पंचायत को अथवा खंड विकास अधिकारी को उचित दिशा निर्देश देकर ओम प्रकाश की समस्या का समाधान करें। ग्राम पंचायत से श्री ओम प्रकाश जी आए हैं, इनका ये कहना है कि इनके मकान का जो डंगा है बरसातों में पूरी तरह से गिर गया है, और जिसके बारे में ग्राम पंचायत ने, पटवारी ने और बमसन ब्लॉक के जेई ने पूरी मौके का मुआयना करके सारी रिपोर्टें दर्ज कर ली थी और उसका दस्तावेज जो है ओम प्रकाश जी को दे दिया था, जिसके बाद पंचायत ने पत्र बना के ओम प्रकाश जी को डीसी साहब के पास हमीरपुर में भेजा था। डीसी साहब से मुलाकात करके आए हैं और डीसी साहब ने इनको ये कहा है कि ये काम जो है पंचायत ही करेगी, लेकिन जब पंचायत के पास ये वापस आए हैं तो पंचायत अभी इनका ये काम कर नहीं रही है। इस दौरान ओम प्रकाश जी जनमंच में भी गए थे और अपनी इस एप्लीकेशन को और इस मकान की फोटो को गिरे हुए की उन्होंने जनमंच में भी दिखाया था, लेकिन इनकी जनमंच में भी सुनवाई नहीं हुई, ऐसा ओम प्रकाश जी का कहना है। तो मेरी प्रशासन से ये गुहार है कि जो भी विभाग आपदा प्रबंधन के तहत इनके मकान के डंगे का पुनर्निर्माण कर सकता है उसको उचित दिशा निर्देश दें ताकि जन समस्या को जल्द से जल्द निवारण हो सके।